वेन्यू भाई वेन्यू की तो पार दी होंडाई होंडाई पार दी वेन्यू आप देख सकते हो। हे गाइस वेलकम बैक टू द अवर चैनल सचिन डागर। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस आप देख सकते हो आज आ चुके हम अपने ट्रैक पर और आज देख सकते हो कुछ नया ही करने आए हैं जो कि वेन्यू और ब्रेजा भाई इन्हें देख सकते हो आप। इनकी आज हम करा रहे हैं ड्रैग रेस। ये दोनों एक ही सेगमेंट की कार है, इनमें अब लगा लो आप एक ही मतलब 1.5 लीटर का इंजन इसमें 1.5 लीटर का इंजन इसमें है। अब आप देख सकते हो इनकी कराएंगे हम आज ड्रैग रेस और ये देखते हैं कौन सी जीतती है कौन सी नहीं। चलो मैं इनके ओनरों से मिलाता हूँ भाई आपको। और भाई राहुल कैसे हो? ठीक ठीक है भाई बिल्कुल बढ़िया। और बताओ भाई अब जैसे हम दोनों कारों की ड्रैग रेस करा रहे हैं मतलब आपको कौन सी लगता है कौन सी जीत सकती है कौन सी नहीं? तो शायद मतलब वेन्यू जीतेगी। अच्छा क्योंकि मतलब वेन्यू की एवरेज भी बढ़िया और मतलब काफी माइलेज भी ठीक है और ना पावर भी ठीक है मतलब हॉर्स पावर भी अच्छी है इसकी ना। वैसे पावर तो भाई ठीक है ये तो मान लेंगे पर भाई सुजुकी कार कमी। भाई स्टार्ट करते हैं अब थोड़ी देर में ड्रैग रेस क्या होता है क्या नहीं रिस्पांस अब आपको पता चलेगा। और जैसा कि देख सकते हो भाई दोनों मतलब बिल्कुल एक सेगमेंट की कार है मतलब ये नहीं कह सकते वो बड़ी है ये छोटी है मतलब दोनों ही कार पेट्रोल में है। कोई ये नहीं है कि ये डीजल में वो पेट्रोल में दोनों कार पेट्रोल में है। वो ब्रेजा है ये वेन्यू है जो वेन्यू का एक बेस से जो ऊपर वाला वेरियंट है वो है मतलब और वो ब्रेजा बेस मॉडल है। अब पता चलेगा भाई क्या होता है क्या नहीं। अब स्टार्ट कर दे अपनी ड्रैग रेस भाई। भाई नवीन चला रहे हैं भाई वेन्यू और भाई मैं चलाऊंगा ब्रेजा को और भाई देखते हैं कौन सी कार जीतती है कौन सी नहीं। और भाई ड्रैग रेस कराएंगे वहां तक जो दिख रही है आपको वहां तक कराएंगे भाई देख सकते हो। गाइस आप देख सकते हो हम तीन हॉर्न मारेंगे तीन हॉर्न मारने के बाद हम रेस को स्टार्ट करते हैं। भाई नवीन उसमें बैठ चुके हैं और मेरे साथ भाई राहुल बैठे हैं। अब देख सकते हो स्टार्ट करते हैं अपनी रेस। और गाइस देख सकते हो अब मैं अब तीन हॉर्न मारूंगा एक दो तीन। भाई देख सकते हो भाई वेन्यू आगे जाती हुई वेन्यू के तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा मार चुका हूँ भाई ब्रेजा को जो वो आते भाई गैप दे दिया है वेन्यू में गैप दे दिया भाई। भाई देख सकते हो 100 प्लस है। भाई देख सकते हो वेन्यू कितनी पीछे रह चुकी है। ब्रेजा जीत चुकी है भाई वेन्यू के लिए थोड़ा सा खेद है मतलब ब्रेजा जीत चुकी फर्स्ट राउंड में। और भाई अब नेक्स्ट रेस करते हैं मतलब सेकंड राउंड करते हैं। सेकंड राउंड में वेन्यू को मैं चलाऊंगा और भाई नवीन चलाएंगे ब्रेजा को। अब भाई सेकंड राउंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं अब पता चलेगा इसकी। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं चला रहा हूं वेन्यू को और भाई चलाएंगे हमारे ब्रेजा को। नवीन भाई और भाई राहुल हमारे साथ बैठे हैं और पता चलेगा भाई क्या होता है क्या नहीं। ये सेकंड राउंड है इसका और देखते हैं कौन सी गाड़ी कौन आगे जाती है पता चलेगा भाई। अब तीन हॉर्न मारूंगा उसके बाद देखते हैं कौन सी नहीं एक दो तीन। भाई ब्रेजा तो देख सकते हो जो जो उसकी चीज है ना मतलब उसका अलग ही वो है हाथ में दे रही पता नहीं भाई पेट्रोल में ये है पेट्रोल में ही वो है मतलब हाथ दे ही नहीं रीजन क्या चक्कर है। गाइस जैसे देख सकते हो स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्रेजा ने भाई वेन्यू को बिल्कुल भी हाथ नहीं दिया और सेकंड राउंड हुआ था भाई हम थर्ड राउंड करेंगे और थर्ड राउंड में देखते हैं कौन सी कार जीतती है कौन सी नहीं। भाई फर्स्ट में भी ब्रेजा जीती और भाई सेकंड में भी आगे ब्रेजा थी मतलब भाई ने फिर मंदी कर ली थी इसलिए वेन्यू आगे चली गई। अब भाई अब हम कर रहे हैं थर्ड राउंड अब उसमें पता चलेगा कौन सी कार फाइनल राउंड भाई राउंड कर रहे हैं जो कि भाई नवीन उसको चलाएंगे हम फिर मैं ब्रेजा को चलाऊंगा और इसमें देखते हैं कौन सी कार जीतेगी नहीं। ये इसे करेंगे हम कम से कम 300-400 मीटर के समथिंग करेंगे इसे। अब तीन हॉर्न मारेंगे भाई और स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं हॉर्न मारते हैं एक दो तीन। जो भाई टॉर्क है ना ब्रेजा का हाथ ही नहीं देता वेन्यू को तो भाई बिल्कुल देखो बिल्कुल भाई हाथ ही नहीं दिया वेन्यू को भाई देख सकते हो। भाई वेन्यू ब्रेजा से बहुत ही आगे जा चुकी है आप देख सकते हो। भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई
थर्ड राउंड में वेन्यू जीती है और फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाई ब्रेजा जीती थी, जो कि अब हम देखते हैं एक बार और फाइनल राउंड कराते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अब पता चलेगा भाई कौन सी जीती है कौन सी नहीं। देख लिया, कई बार देखा था, पर सेकंड दो राउंड तो भाई ब्रेजा जीती है और एक राउंड जीती है वेन्यू। अब भाई एक राउंड और कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कौन सी कार जीती है कौन सी नहीं। भाई स्टार्ट करते हैं, भाई मैं ब्रेजा को चलाऊंगा, भाई नवीन चलाएंगे हमारे वेन्यू को। अब देखते हैं क्या नहीं। एक दो तीन, गाइस आप वेन्यू को देख सकते हो, वेन्यू को देख सकते हो गाइस, आप पीछे वेन्यू देख सकते हो, पीछे रह चुकी है। मतलब फिलहाल देखो स्टार्टिंग में जो टॉर्क है ना ब्रेजा का, मतलब बहुत ही गैप दे देता है वेन्यू में, और अब भी हाथ नहीं दिया वेन्यू, देख सकते हो आप पीछे हाथ नहीं दिया बिल्कुल वेन्यू को ना भाई, नहीं दिया बोलता हुई रेस, हाथ ही नहीं दिया वेन्यू को। जैसा कि आप देख सकते हो हमने तीन और चार राउंड कराए थे, तीन और चार राउंड में भाई एक राउंड में तो वेन्यू जीती थी जो कि थर्ड राउंड था, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ राउंड में भाई ब्रेजा जीती थी जो कि बेस मॉडल है। और भाई इसका है बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट आता है ना वो वेन्यू में, इसका भी 1.5 लीटर का है इंजन, इसका भी 1.5 लीटर का इंजन है, और दोनों पेट्रोल में है भाई, और दोनों ही मैनुअल है और दोनों ही पेट्रोल में है भाई। देख सकते हो जो कि भाई ब्रेजा में जो स्टार्टिंग मैंने जैसे चलाई थी, जो कि स्टार्टअप है ना ब्रेजा, जैसे स्टार्टअप करते हैं तो बहुत ही तगड़ा मतलब पिकअप आता है ना, जो वो होता है टॉर्क बहुत ही तगड़ा आता है एकदम स्टार्टिंग में। और वेन्यू में मतलब इतना खास नहीं है कुछ, पर ठीक है, मतलब कार दोनों ही एक ही सेगमेंट की और एक मतलब इतनी प्राइस के समथिंग आती है, 10-11 लाख के ही समथिंग दोनों आ जाती हैं कार, और मॉडल्स का फ़र्क पड़ता है टॉप और वो। भाई गाइस जैसा कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाई।